हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है ES121 मोशन कंट्रोल इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर जो कि अपग्रेडेड है इस ES120 का। तो आपने मेरी पुरानी वीडियो में ES120 की इंटरनल को तो देख ही लिया था, मतलब कि इसका टीयरडाउन तो देख ही लिया। आइए अब देखते हैं इस स्क्रू ड्राइवर का टीयरडाउन। अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों टीयरडाउन बिल्कुल वैसे ही है, मतलब कि सब कुछ वैसे ही है। तो सबसे पहले मैं इसकी जो कैप है उसको उतार देता हूँ, और साथ में यल की अभी अपने आप उतर गई। एक स्क्रू है यहाँ पर टॉरेक्स, तो उसको निकाल देता हूँ, निकल गया है। उसके बाद ये जो प्लास्टिक वाला यहाँ पर कवर है इसको उठा देता हूँ, ये निकल चुका है। बटन है, निकाल दिया। आइए दोस्तों इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको निकाल देते हैं। देख सकते हो कि पीछे की साइड को एक केबल है जो कि मोटर के साथ कनेक्टेड है, तो मुझे इसको तोड़ना नहीं, तो मैं इसको रोटेट करते हुए इस कनेक्टर की तरफ को चला जाता हूँ, मतलब पीछे की साइड को, और उसके बाद इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। और इसके डिस्कनेक्ट करते इसका जो बोर्ड है वो निकल आएगा। तो फिलहाल बोर्ड की बात करें तो दोस्तों बोर्ड ES120 का ही है और यहाँ पर है वर्जन 2.1A2। तो यहाँ पर जो बोर्ड है वो बिल्कुल सेम वही बोर्ड है जो कि आपको इसके अंदर देखने को मिला था, मतलब कि वही LCD है, वही 3-axis जायरो है, वही STM32 चिप है। तो यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बिल्कुल सेम वही बोर्ड मिल रहा है जो कि ES120 में मिल रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो आइए दोस्तों अब इसके मैकेनिकल पार्ट को निकालते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी एक ट्वीज़र को मॉडिफाई कर रखा है स्पेशली इस पर्पज़ के लिए। तो आइए इस कैप को उतार देते हैं, ये उतर चुकी है। आइए इसकी जो असेंबली है उसको पूरा बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल वही लॉकिंग मैकेनिज्म है जो कि आपको पुराने वाले केस में मिला था। यहाँ पर जो गियर असेंबली है, मतलब कि ये वाला जो असेंबली है ये दोस्तों यहाँ पर चेंज है, मतलब कि इस बार आपको मिल रहा है 1:64 का रिडक्शन रेशियो, मतलब कि जो मोटर आपको स्पीड दे रही है उसको ये रिड्यूस कर देगा 64 टाइम, जबकि दोस्तों इस वाले के अंदर जो गियर मैकेनिज्म था वो कर रहा था 144 टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्पीड है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 65,000 RPM से 380 RPM में, मतलब कि ये आपका स्क्रू को जल्दी ड्राइव करेगा। बट अगर मैं यहाँ पर टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पर टॉर्क गिर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो रिडक्शन है वो आपकी कम हो जा रही है। तो फिलहाल टॉर्क इस केस में आपको मिल रहा है 1.5 kg फोर्स ऑफ टॉर्क सेंटीमीटर में, जो कि दोस्तों ऑलमोस्ट आधी है इस वाले केस से। तो यहाँ पर दोस्तों ये गियर मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो आइए इसको साइड में रखते हैं, आप देखते हैं हाउसिंग को। तो हाउसिंग बिल्कुल वैसी ही है, इसमें आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ वैसा ही है। बस यहाँ पर जो मार्किंग है उसको ES121 कर दिया गया है। तो ये है दोस्तों इस स्क्रू ड्राइवर के पार्ट्स। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो पार्ट्स हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि ES120 के थे। एक हाउसिंग है, गियर के साथ मोटर है, लॉकिंग मैकेनिज्म है, कुछ कैप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो फिलहाल इससे बना होता है ES121। तो आइए दोस्तों अब इसको असेंबल कर देते हैं। असेंबली चलेगी रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पर दोस्तों लॉकिंग मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आइए इसको वापस लगा देते हैं, इसकी कैप को लगा देते हैं, कैप को टाइट कर देते हैं, टाइट हो गई है। आइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स को एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा कुछ ऐसे, और उसके बाद इस कनेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कनेक्टर कनेक्ट हो गया है। आइए इसको रोटेट कर देते हैं और इसको फिट कर देते हैं। आइए अब इसका जो कवर है इसको वापस लगा देते हैं बटन के साथ। तो ये दोस्तों लग चुका है, आइए इसको वापस फिट कर देते हैं। और दोस्तों इसका जो स्क्रू है उसको लगा देते हैं, तो स्क्रू लग चुका है। आइए इसकी प्लास्टिक वाली कैप को लगा देते हैं, और उसके बाद दोस्तों इस मेटेलिक कैप को भी। तो ये चीज़ दोस्तों अब असेंबल हो चुकी है, आइए चेक कर लेते हैं। तो ये वर्क कर रही है। तो फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो इसके इंटरनल कॉम्पोनेंट्स और इसके इंटरनल कॉम्पोनेंट्स में दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। बस यहाँ पर दोस्तों जो गियर मैकेनिज्म है उसको चेंज कर दिया गया है, आपको यहाँ पर ज़्यादा स्पीड मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कहेंगे कि काफ़ी आसान रहा है स्क्रू ड्राइवर को टेयर डाउन करना, हमें पहले ही पता था कि इसके कॉम्पोनेंट्स कैसे होंगे, कहाँ क्या होगा, तो काफ़ी आसान रहा। अगर आपके मन में कोई डाउट है इसके टेयर डाउन को लेकर, इसके पार्ट्स को लेकर, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना,
करना, शेयर करना। और ऐसे ही दोस्तों मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।